महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। सुबह उठने के बाद घर की सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन झूठे जिसके घर में पड़े रहते हो, उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। जहां नारी दिन में सोती हो, जहां रात भर के बर्तन झूठे रखे रहते हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ महाराज। और स्थान तो कहा, जहां इमली का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, कांटेदार पौधे जिसके घर में लगे हों, उस घर में तुम प्रवेश। अब दुसाहा मुनि और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है, इतने में भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया था, तो नारायण लक्ष्मी जी नारायण से बोली, अपने विवाह को आज 15 दिन हो गए, मेरी बहन के विवाह को 20 दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, एक बार चलो ना मिलने। भगवान बोले चल चलते, और भगवान नारायण सीधे उस ज्येष्ठता से मिलने के लिए, दरिद्रता से मिलने के लिए चल। अब दरिद्रता से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे तो दरिद्रता कहां बैठी हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी है, और वहीं पर पहुंच गई। अब आप किसी से मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे, अरे बोलो तो क्या ले जाओगे, डंडा की मिठाई, डंडे लेकर जाओगे कि मिठाई लेकर जाओगे, अरे बोलो तो मिठाई लेकर जाओगे ना, कुछ भी मिष्ठान मुंह मीठा कराने के लिए, जिसकी विवाह हुआ है, अभी विवाह हुआ है, तो उसके यहाँ मिठाई का डब्बा लेकर चले। और मिठाई का डब्बा ले जाकर जैसे ही भगवान नारायण लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने तुरंत ज्येष्ठा देवी को दिया, ज्येष्ठा को दिया तो देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया, और फेंकते से ही बोली, लक्ष्मी तू मेरी छोटी बहन है, तुझे इतना नहीं मालूम कि तेरी बड़ी बहन खाती क्या, और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई, तू पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, जो तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर आई है, तुझे मालूम नहीं कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए। लक्ष्मी जी बोली, जी मैं तो समझी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वाद को, क्योंकि विवाह होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति बदल जाता है, मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा होगा, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई। लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं, मुझे नहीं चाहिए, मिठाई का डब्बा फेंक दिया। आज भी कई दरवाजों पर, कई दुकानों पर आपने नींबू मिर्ची टंगा हुआ देखा होगा। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, नजर से नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हर एक व्यक्ति के घर में प्रतिदिन प्रवेश करती है, पर लक्ष्मी के लिए मिठाई फ्रिज में रखी होती है, इसलिए लक्ष्मी सीधे अंदर चली जाती है, और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है, इसलिए वो दरवाजे से खाकर वापिस चली जाती है, दरवाजे से खाकर पूर्ण वहीं से लौट जाती है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देख कर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं, शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें 1 दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन, जम के बोलो जरा, रविवार।
और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा, दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए, उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं। वर्णन किया आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विशाखा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूरी।